यूपीएसएससी द्वारा आयोजित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आरएन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित आरएन इंटर कॉलेज के कमरा नंबर 2 के निरीक्षक आशीष गुप्ता और ऋतिक शर्मा ने बताया कि अनुक्रमांक 00020112 परीक्षार्थी निर्मल कुमार पुत्र मिजाजी लाल का फोटो और हस्ताक्षर मिलान नहीं हो रहे हैं। निर्मल कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक संदिग्ध लग रहा है। इस पर प्रधानाचार्य और स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने उक्त परीक्षार्थी से पूछताछ की, जिसमें युवक ने पहले अपना नाम विराज पुत्र मिजाजी लाल बताया, वहीं सख्ती से पूछताछ में अपना नाम अभिषेक कुमार बताया है। कटोरा बुजुर्ग गांव के रहने वाले आरोपी के पास से निर्मल कुमार पुत्र मिजाजी लाल नाम और पता का आधार कार्ड मिला। आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि निर्मल कुमार के इस आधार कार्ड पर उसने स्कैन करके अपना फोटो लगा दिया था। आरोपी के कब्जे से 2 आधार कार्ड और भी बरामद हुए हैं। इनमें एक निर्मल कुमार पुत्र मिजाजी लाल निवासी कटोरा बुजुर्ग जिला फिरोजाबाद और दूसरा अपना बताया है। अभिषेक कुमार पुत्र तिलक सिंह निवासी कटोरा बुजुर्ग सिकोहाबाद जिले में फिरोजाबाद के आधार कार्ड पर आरोपी का ही फोटो लगा था। आरोपी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी ढंग से परीक्षा देता पाया गया है। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ आर्यन इंटर कॉलेज पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने बताया कि आर्यन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की तहरीर पर आरोपी अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक आर्यन इंटर कॉलेज है, वहाँ पर अपने चचेरे भाई के लिए एग्जाम देते हुए अभिषेक नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये अपने चचेरे भाई, उसकी जगह जो कि ये दोनों जो हैं आपको कटोरा बुजुर्ग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इसने अपने चचेरे भाई की जगह एग्ज़ाम दिया था और इसमें लोगों को शक हुआ तो उसकी जब आधार कार्ड वेरीफाई की गई तो उसमें इसका नाम अलग निकला और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल लाइन्स।